मुझे शाग मुग डालमा बनईबि ए शाग मुग बनवाई जी सहज खावापी टेस्टी आउ हेल्दी मुआक बिना पिज रसुण से बनईबि यादारा आपण आपको कौन सी ओषा व्रत प्रस्तुत कर खाईपर जदि आपण को यही रेसीपी भल लगे तेल को लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे जदि मो चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूल आरी नक चलत प्रस्तुत करने आज रेसीपी नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानक स्वागत साग मुग डालमा पाई मैठी दी पीड़ा साग को भल भाव बाछिक धोईकी नहीं डालमा रे पकेबा मैठी किसी पर नहीं मैठी नहीं सारु बैगण आलु आउ कखारु आपण एथिरे माटी आलु कंचा कदळी आउ कंदमूल भी पकई पारिबे मैठी दी कप भजा देसी मुग डाली नहीं मार्केट रे जो मुग डाली मिलुची आपण ताकु नै परिबे आपण से मुग डाली जदि नेबे ताहाले आपण से मुग डाली को टिके भाजिकि नेबे एबा मे जो साग नैथिले ताकु छोटो छोटो करी काटि दबा साग को गोटा धोइला परे ताकु छोटो छोटो करी काटिबे कारण साग रे बहुत बाली आ माटी थाए परिबा साग आ डाली रो क्वांटिटी आपण आपण को हिसाब रे कम बेसी करि परिबे मैठी सब साग को छोटो छोटो करी काटि कि नै जाईची मुठी गोटे प्रेसर कुकर रे 5 कप पानी नहीं ची एबे हमें रखी पर भल भाव धोईकी प्रेसर कुकर रे देदबा एथिरे एबे हमें रखी भजा मुग डाली को भल भाव धोईकी देदबा एथिरे एबे हमें अधा छोट चमच हलदी गुंड पकईबा आउ स्वाद अनुसार लुण पकईबा एबे हमें सबको भल भाव मिक्स करी प्रेसर कुकर लीड बंद करी मीडियम फ्लेम रे दीटा हुसिल आसिया पर्यंत आमे डाली आउ परिबा को सिजेबा डाली आउ परिबा सिजुथिबा भितरे चालंतु आमे भजा जीरा लंका गुंड बनेबा एमती फ्रेश भजा जीरा लंका गुंड बनई डालमा रे दबा द्वारा डालमा रे टेस्ट बहुत भल आसी थाए मुठ गोटे कड़ई को गरम होगा रखी थी कड़ई भल भाव गरम होगापर मुझे चारिटा सुखिला लंका देची आपण को जेतिकी राग दरकार से अनुसार सुखिला लंका नेबे सुखिला लंका को मु मीडियम फ्लेम रे गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत भाजिला परे मु एथिरे 4 छोट चम्मच जीरा पकईची एबे मु जीरा आ लंका को कंटीन्यूअस गोळे गोळे लो फ्लेम रे भाजिबा जीरा आ लंका एटी भल भाबे भाजी गलानी एबे मे गैस बंद करि दबा आ जीरा आ लंका को गोटे गिन्ना रे काढ़ी टिके ठंडा हबा को दबा मैठी गोटे छेचा नैछि एथिरे एबे मे भाजी के रखितिबा जीरा आ लंका को दे दबा एबे हम जीरा आउ लंका को भल भाव छेचिकी गुंड बनईदबा आपण चाहिले ग्राइंडर जार रे आकु ग्राइंडिंग करिपरिबे जीरा लंका गुंड एठी रेडी हे जाईची आकु एबे हम गोटे गिन्ना रे काढ़ी दबा प्रेसर कुकर दीटा हुसिल आसला परे मु इंडक्शन बंद करि दैतिली प्रेसर कुकर पूरा भेपर गला परे मु एठी लीड खोलीची मु एठी आपण को देखै दउची डाली आउ परिबा एठी भल भाव सिझि जाईची एबे में इंडक्शन ऑन करी दबा आउ एथिरे काटिक रखी थिबा सागो को दे दबा तापर आमे को कवर करी हाई फ्लेम रे 2-3 मिनिट पर्यंत कुक करीबा जेमती सागो टिके नरम हे जिवो 2-3 मिनिट पर मेटी गोडनी काढी दैछि एठी सागो टिके नरम हे जाइछि एबे हम सागो को भल भाबे मिक्स करी दबा आउ लो फ्लेम रे आमे को 6-7 मिनिट पर्यंत कुक करीबा जेमती सागो भल भाबे सिझि जिवो एटी 6-7 मिनिट हो गलानी साग एटी भल भाव सिझि जाइछि एबे हम इंडक्शन बंद करि दबा आ डालमा रे दबा पई गोटे छुंक बनेबा छुंक बने पई मैठी गोटे कड़ई को गरम हबा को रखिछि कड़ई भल भाव गरम हला परे मैथिरे घी दउछि घी जगह रे आपण रिफाइन ऑयल नै परिबे किंतु घी रे डालमा छुंक कले डालमा रो टेस्ट बहुत भल आसी थाए घी भल भाव मेल्ट करगलापर मुझे 3-4 सुखिला लंका पकईची आउ 2 छोट चमच पंच फुटण पकईची पंच फुटण जगार आपण जीरा पकई पारे मुझे अधा छोट चमच हेंगु पकाउची हेंगु एटी ऑप्शनल अच्छी किंतु हेंगु पकई कि देखिबे डालमार टेस्ट बहुत भल आसिबो एबे आमे फुटण आ सुखिला लंका को भल भाव भाजिबा एटी पंच फुटण आउ सुखिला लंका भल भाव भाजी गलानी एबे हम एथिरे सिझेकी रखिथिबा डालमा को देदबा आउ सबकु भल भाव मिक्स करी डालमा को मीडियम फ्लेम रे 3-4 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाड़ी दबा
डालमा एटि भल भाबे फुटि गलानी। डालमा को आउ थरे भल भाबे मिक्स करि दबा आउ इंडक्शन बंद करि दबा। एथिरे एबे आमे बनेकि रखिथिबा भज्जा जीरा लंका गुंड पकेबा। आपन आपनको टेस्ट अनुसार भज्जा जीरा लंका गुंड पकेबे। आपन चाहिले एटि किछि नडिया कोरा पकेइ परिबे। एबे आमे सबकु भल भाबे मिक्स करि दबा। साग मुक डालमा एटि रेडी होइ जाइछि। आकु एबे आमे गोटे सर्विंग बाउलले काढि दबा। जदि आपण को एक बिना पियाज रसुन रे साग मुग डालमार रेसीपी भल लगी लाइक करेंगे आपण को सांग मान सहित सेयार करेंगे। जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूलें पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखिपारे। थैंक यू फॉर वाचिंग।